ओम गण गणपते नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना की स्तुति कर रही हूँ। दिव्य पराध क्षमापन स्त्रोत, इस स्त्रोत का पाठ कर रही हूँ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशी का पाठ, चंडी पाठ, इसको जब हम करते हैं तब हमें रोज पाठ करने के बाद देवी माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना के मंत्रों का हिंदी अनुवाद दिव्य पराध क्षमापन स्त्रोत में बताया गया है, उसी स्त्रोत का पाठ अब हम करने जा रहे हैं। पाठ आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपनी क्षमा प्रार्थना स्तुति आरंभ करते हैं। माँ, मैं मंत्र जानता हूँ न यंत्र, हो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का, स्त्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्रा में जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, परंतु एक बात मैं जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कुमाता नहीं होती है। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सीधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ, मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना तो संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती है। जगत माता जगदम्बा, मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा होते हैं किंतु माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक की अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में पिता की राग भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष भोजन है, जो दिगंबर धारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपास भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, का क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला, यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की उपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है, ते तुमसे मेरी याचना है कि मेरा जन्म मुडानी रुद्राणी शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए भी
पपीते, माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पाप की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। इस प्रकार ये दिव्य पराध समापन स्त्रोत यही समाप्त होता है। इसमें 12 मंत्रों का हिंदी अनुवाद दिया गया है। दुर्गा सप्तशी का पाठ करने के बाद यह पाठ अवश्य सुनना चाहिए। आशा है आपको पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए जयकारा, शेरावाली का बोल साचे दरबार कीजिए।